हेलो गाइस, मैं देवांश स्वागत करता हूँ क्रिकेट कीड़ा के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2019 से जुड़े एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने पिछले लगातार 6 मैच हारने के बाद केकेआर बाहर होने की कगार पे है, मगर हार कर जीतने वाले को ही बाहर दिखकर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उन 3 सीनरियो के बारे में बताएंगे जिससे केकेआर बिना रन रेट के प्रेशर के प्लेऑफ में आराम से पहुंच सकता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाते हैं। जैसे कि हम शुरुआत से जानते हैं कि केकेआर का बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। इंजरीज की वजह से काफी खिलाड़ियों को वापस देश जाना पड़ा या आ ही नहीं पाए, तो केकेआर के फैंस को हमेशा निराशा हाथ लगी है। उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज क्रिस लिन भी कुछ इस साल अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे। वो जिस तरह स्टार्ट देते थे वो दे नहीं पाए। हालांकि आंद्रे रसल की बदौलत केकेआर ने शुरुआत में काफी क्लोज मैचेस जीते हैं। सुनील नरेन भी अच्छी स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब 8 बॉल में 25 रन, इतने कम स्कोर पे आउट हो रहे हैं कि केकेआर के बॉलर्स को कोई अच्छा स्कोर भी नहीं मिल रहा डिफेंड करने को। ऑलरेडी वो इतने इनएक्सपीरियंस है, ना ही केकेआर की किस्मत टॉस में इतना साथ दे रही है, जिस वजह से केकेआर पिछले 6 मैच हार के बाहर होने की कगार पे है। तो पहला सीनरियो ये रहेगा, इसमें आरआर एसआरएच के मैच को आरआर को जीतना पड़ेगा, दिल्ली आरसीबी के मैच को दिल्ली को जीतना पड़ेगा, केकेआर को अपने सारे मैच जीतने पड़ेंगे, एसआरएच के एक्सआईबी मैच में पंजाब को जीतना पड़ेगा, दिल्ली और चेन्नई के मैच में चेन्नई को जीतना पड़ेगा, MISRH के मैच में MI को जीतना पड़ेगा, दिल्ली RR के मैच में दिल्ली को जीतना पड़ेगा और KXIP और CSK के मैच में CSK को जीतना पड़ेगा। अगर हम बात करें सीनरियो 2 के, तो सीनरियो 2 में RR SRH के मैच में SRH को, दिल्ली RCB के मैच में दिल्ली को, जैसे कि पहले बता चुके हैं KKR को तो सारे मैच जीतने ही जीतने हैं, SRH पंजाब के मैच में पंजाब को, दिल्ली CSK के मैच में दिल्ली को, MISRH के मैच में MI को, RCB SRH के मैच में RCB को और पंजाब और CSK के मैच में CSK को। सीनियर 3 की अगर हम बात करें तो दिल्ली RCB मैच में दिल्ली को जीतना पड़ेगा, SRH पंजाब के मैच में पंजाब को जीतना पड़ेगा, MISRH के मैच में MI को जीतना पड़ेगा, RCB SRH के मैच में RCB को और पंजाब CSK के मैच में CSK को। तो सीनियर 3 सबसे ईजी लग रहा है और सबसे पॉसिबल लग रहा है KKR को बिना रन रेट के प्रेशर के क्वालिफाई करने में। तो चलिए अब आप हमको एक कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि सबसे इजी सीनेरियो कौन सा रहेगा और सबसे अहम बात कि क्या KKR क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं। दिनेश कार्तिक भी फॉर्म में लौट चुके हैं, नितेश राणा भी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, हालांकि रॉबिन उथप्पा को क्रिस लिन को फॉर्म में आना पड़ेगा, सुनील नरेन को बॉलिंग में 1-2 विकेट से नहीं 3-4 विकेट मिनिमम लेने पड़ेंगे, कुलदीप यादव को वापसी करवा के कुछ मैच विनिंग स्पेल्स डालने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए, उनको बताइए KKR अभी भी बिना रन रेट के पहुंच सकता है, क्योंकि हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। KKR फैंस को हम ये स्पेशल वीडियो डेडिकेट करना चाहेंगे और उनको बताएंगे कि टीम को सपोर्ट करिए, KKR अभी भी पहुंचेगा। कोर बो, लोड बो, चीत बो, #IPL #KKR। तो दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको IPL या विश्व कप से किसी भी जानकारी से खुद को रूबरू रखना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में घंटी वाला बेल आइकन दबा के उसकी अपडेट से सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए।